दोस्तों, आप सबको स्वागत है मेरे चैनल बी टाउन हलचल में। क्या आप लोगों को पता है कि डिज्नी ने द लायन किंग की हिंदी डब्ड के लिए शाहरुख खान ने जो फर्स्ट वॉइस ओवर दिया था उसको कैंसिल करना पड़ा था। चलिए आपको मैं बताने वाला हूँ ऐसा क्या हुआ था। उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आप सबको तो पता ही होगा द लायन किंग की हिंदी डब्ड वर्षन में शाहरुख खान मुफासा की आवाज देने वाला है और उनकी बेटा आर्यन खान सिम्बा की आवाज देने वाले है। लेकिन जब दोनों की शूट मतलब वॉयस ओवर कंप्लीट हो गया था उसके बाद हिंदी डब की जो वॉयस थे वो एडिटर के पास पहुंचते हैं और फिल्म के साथ लगाया जाता है, एडिटिंग के काम चलते हैं, तब एडिटर की सर घूमने लग गया था। क्यों एडिटर के सर घूमने लग गया था कि एडिटर ने पहचान ही नहीं पा रहे थे कौन सा मुफासा की आवाज है और कौन सा सिम्बा का, मतलब कौन सा शाहरुख की आवाज है और कौन से आवाज आर्यन खान का है। उसके बाद डिज्नी ने शाहरुख खान के साथ एक मीटिंग फिर बुलाया और शाहरुख खान उसके बाद आवाज अपनी बेटा का सुनता है। शाहरुख खान पहले आवाज नहीं सुने थे उनकी, मतलब डब आवाज नहीं तो सुने थे आर्यन खान की, कि आर्यन खान की आवाज कैसा दिया है उसने उनकी फिल्म में। उसके बाद शाहरुख आर्यन खान की आवाज सुनते हैं, मतलब सिम्बा की आवाज सुनते हैं हिंदी। उसके बाद शाहरुख खान को इतना अच्छा लगा वो आवाज, उन्होंने ये कह दिया कि मेरे आवाज और मुझसे आप लोग 100 बार ऑडियो रिकॉर्ड कर लीजिए, मुझसे आप लोग 100 बार वॉइस ओवर ले लीजिए, लेकिन आर्यन की वही आवाज रहना चाहिए। मेरी फर्स्ट रिकॉर्डिंग को आप लोग कैंसिल कर दीजिए, मैं दोबारा आपके साथ रिकॉर्ड करने के लिए तैयार हूँ। तो क्या ये न्यूज को आपको पता था कि शाहरुख खान की फर्स्ट रिकॉर्डिंग को कैंसिल करना पड़ा था डिज्नी के द्वारा, क्योंकि दोनों आवाज पहचानने में बहुत मुश्किल हो रहा था एडिटर को, और इसके चलते शाहरुख ने दोबारा रिकॉर्डिंग किया मतलब हिंदी वर्जन के लिए। तो चलिए, इस न्यूज को सुनने के बाद आप लोगों को क्या लगा कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।